Hello everyone, my name is Ashish Rami. Today we will discuss about the chapter that is communication. Our topic is about communication from the subject of principles of management. First of all, let's see the definition of communication. What do you mean by communication? Communication, it's a process of exchanging messages or information between two or more persons. दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे. इफ़ यू ट्रांसलेट दिस कम्युनिकेशन डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ, यू कैन सी दैट प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे. कम्युनिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट फंक्शंस. वेरियस डेफिनेशंस आर गिवन, लाइक एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अमंग इंडिविजुअल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जो अलग अलग एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके बीच में जो डिस्कशन होता है या इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होता है, एक्सचेंजिंग होता है, उसको हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाई टू और मोर पर्सन्स. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ रिसीवर सो दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स इट एंड रिस्पॉन्स टू इट. रिसीवर को इन्फॉर्मेशन भेजना और रिसीवर वो इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है और उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. बिकॉज विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट फिनिश. हियर यू कैन सी कम्युनिकेशन इज बिटवीन मैनेजमेंट फंक्शंस एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स. अलग अलग जो कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो और मैनेजमेंट फंक्शंस, उनके बीच में जो एक लिंक बनता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन इज अ इन्फॉर्मेशन फंक्शन. कोई भी इन्फॉर्मेशन पास करनी हो मैनेजर को या एम्प्लॉइज को, तो उसके लिए कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. सेकेंड, कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन. इफ एनी मैनेजर वॉन्ट्स टू गिव सम ऑर्डर टू हिज एम्प्लॉइज, तो उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है. वो मेल करता है या इन्फॉर्म करता है या सर्कुलर भेजता है, तो इंस्ट्रक्शन करने के लिए और कमांड देने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है. देन इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएसिव फंक्शन. इन्फ्लुएंस यानी कि अगर दूसरों को आपको इन्फ्लुएंस करना है या तो उनको पर्सुएड करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कन्विंस समबड़ी, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स को कुछ कन्विंस कर रहा है या उनको कुछ समझा रहा है, प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ कॉल पर्सुएसिव फंक्शन और कन्विंसिंग द कस्टमर, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है. देन इंटीग्रेटिव फंक्शन. कम्युनिकेशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, विच कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट वी सी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. विच आर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन? फर्स्ट, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो हायरार्की है, जो लेवल्स हैं, उसमें फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इंस्ट्रक्शंस, सर्कुलर्स, बुलेटिन्स, नोटिसिस. जो मैनेजर्स, सीईओज अपने एम्प्लॉइज़ को या एग्जीक्यूटिव्स को जो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं या सर्कुलर्स पास करते हैं, उनको हम बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, यस, दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन विच फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. नेक्स्ट, दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जो कम्युनिकेशन जाता है, जैसे कि सजेशंस, ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट्स. एम्प्लॉइज अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं या सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो अपने मैनेजर्स को भेजते हैं, उसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन. देन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दैट इज इंटरचेंज ऑफ आइडियाज अमंग द ऑफिसर्स ऑफ द सेम रैंक. सेम लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं, सेम लेवल के जो मैनेजर्स हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जनरली कंसल्टेशन बिटवीन मैनेजर्स, मीटिंग्स, डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम. तो एचआर मैनेजर अगर प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में जो भी डिस्कशन होता है उससे कुछ कंसल्ट करता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. देन वी सी कम्युनिकेशन प्रोसेस. हाउ द होल प्रोसेस और हाउ द आइडिया फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर.
ये हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंडर साइड, दीज आर ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेंडर साइड, यहाँ पे रिसीवर साइड स्टार्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग एन आइडिया, सेंडर के दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि मुझे ये कम्युनिकेट करना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग एन आइडिया, देन एनकोडिंग द मैसेज, वॉट एवर आइडिया इज डेवलप इन सेंडर्स माइंड, उसका फिर वो मैसेज में कुछ एनकोडिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया है तो मैं आई एम एनकोडिंग थ्रू माई वर्ड्स और थ्रू सम पिक्चर्स, देर इज़ एनकोडिंग। देन ट्रांसमिशन, आफ्टर एनकोडिंग द मैसेज, जो भी आइडियाज़ है उसको वर्ड में, सिंबल में, ग्राफ में मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, एनकोड करता हूँ, फिर मैं उसको रिसीवर तक पहुँचाना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे कुछ मीडिया चाहिए, आई वॉन्ट सम मीडियम और सम ट्रांसमिशन चैनल। सो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग द मैसेज, देन रिसेप्शन ऑफ द मैसेज बाय रिसीवर, रिसीवर उसको थ्रू हिज फाइव सेंसरी ऑर्गन्स वो मैसेज को रिसीव करेगा, मे बी थ्रू टच, ईयर, स्मेल। रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, उसके बाद डिकोडिंग द मैसेज, जो भी मैसेज यहाँ पे एनकोड हुआ था उसको यहाँ पे वापस डिकोडिंग होगा, यानी कि जो भी वर्ड्स मैंने उनको बोले हैं तो वो वर्ड्स यहाँ पे रिसीवर समझेंगे, ही विल कन्वर्ट दैट मैसेज इनटू सम आइडियाज, देन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द मैसेज, उसके बाद रिसीवर वो देखेगा कि वो मैसेज मेरे काम का है कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देन यूजिंग द इंफॉर्मेशन, जो उसके काम की इंफॉर्मेशन होगी वो उसको यूज़ करेगा, और उसके बाद गिविंग फीडबैक टू द सेंडर, दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिकॉज विदाउट द स्टेप ऑफ फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। तो रिसीवर को जो मैसेज मिलता है उसका रिस्पॉन्ड वो सेंडर को करता है कि हाँ मुझे ये मैसेज मिल गया है, आई हैव अंडरस्टूड द होल आइडिया और कंसेप्ट, सो दैट इज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, देर आर 8 स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टार्ट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, देन गिविंग फीडबैक बैक टू सेंडर। नाउ सी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। हियर इन दिस चार्ट यू कैन सी द मेजर पोर्शन वी यूज, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जनरली हमारे जो डेली कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, वोकल वेराइटी और वर्ड्स उसका प्रपोर्शन बहुत माइनर रहता है। दिस आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन सी, वर्बल एंड नॉन वर्बल, अंडर वर्बल कम्युनिकेशन ओरल एंड रिटन। फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन, दैट मीन्स मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, जो हम माउथ टू माउथ कुछ भी बोलते हैं वर्बली। कम्युनिकेशन इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड अ पीस ऑफ राइटिंग, दैट इज ओरल एंड रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स आर यूज, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्जेशंस, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होता है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट सी रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन दैट मीन्स हम जो भी कुछ लिखते हैं, मे बी लेटर और एनी काइंड ऑफ नोटिस, जो भी मेल वगैरह है, रिटन साइंस और सिंबल्स आर यूज टू कम्युनिकेट। अ रिटन मैसेज मे बी प्रिंटेड और हैंड रिटन। इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो एट्सेट्रा। रिटन कम्युनिकेशन वेरियस टूल्स आर देयर, वी कैन सी वन बाय वन, इट्स अ सैम्पल ऑफ लेटर्स, देन सर्कुलर, मेमो, रिपोर्ट्स, दिस मिनट्स ऑफ मीटिंग, इट इज़ कॉल्ड MOM, इट इज़ ऑल्सो रिटन कम्युनिकेशन। फॉर्म्स एंड क्वेश्चनर, इस जगह पे फॉर्म्स हम फिलअप करते हैं, क्वेश्चनर फिलअप करते हैं, फॉर्म्स एंड क्वेश्चनर। मैनुअल्स विच इंक्लूड्स मेजर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और हाउ टू यूज सम प्रोडक्ट, पॉलिसीज वगैरह। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन टूल्स। देन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अबाउट 93% ऑफ इन्फॉर्मेशन वी गिव एंड रिसीव इज एक्चुअली नॉन वर्बल। हमारे डेली कम्युनिकेशन में जो हम मेजरली जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज मोस्टली यूज बाय आवर जेस्चर्स, वोकल वेराइटीज, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एज यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो, दैट वेरियस साइंस, वेरियस हैंड जेस्चर्स आर यूज। अगेन सम अदर इमेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली फेशियल एक्सप्रेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज टूल्स,
These are various non-verbal communication body language tools. You can see ways of talking like pauses or stress on words, posture, appearance, head movements, hand movements, eye movements, facial expression, body contact, closeness, sounds. So many body language or non-verbal communication tools are there. Non-verbal communication majorly use gestures, vocal qualities, spatial relationships to express superiority, dependence, dislike, respect, love, and host of other feelings and attitudes. We use non-verbal communication. Non-verbal communication generally हम ये अलग अलग चीज़ों में या ये अलग अलग इमोशंस हम एक्सप्रेस करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू कैन सी. फर्स्ट दैट इज पैरा लैंग्वेज विच इज़ मेजरली इंक्लूड वॉइस क्वालिटी. हम जो बोलते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी उसमें से अलग अलग मैसेजेस हम डिनोट कर सकते हैं. जैसे कि ओके वर्ड है वो हम कई तरीके से अलग अलग बोल सकते हैं. जैसे अगर कुछ भी पूछना हो तो भी हम ओके यूज़ करते हैं. कहीं आंसर देना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं. या व्हेन यू आर सरप्राइज देन आल्सो यू यूज़ ओके. सो वॉइस क्वालिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज़ कॉल्ड एज पैरा लैंग्वेज. सेकेंड दैट इज प्रॉक्सिमिक्स. इट इज़ स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल स्पेस इज यूज्ड कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर. इट डिफर्स दैट हाउ जनरली फिजिकल स्पेस इज यूज्ड बिटवीन टू पर्सन. कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे आप दो एम्प्लॉयज जो बात कर रहे हैं तो उसके बीच में कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस होना चाहिए. दैट इज़ फिजिकल स्पेस. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड थर्ड वन इज़ काइनेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. जो हम अलग अलग जेस्चर पोस्चर यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स सी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. विच आर द हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टेकल्स आर देयर बिटवीन टू पर्संस और to pass some message or to communicate. There are certain common barriers which we generally face during our communication, like noise. जो भी हम कुछ message pass करते हैं लेकिन अगर रास्ते में कुछ ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो उनको सुने नहीं देगा. Noise, lack of planning. अगर speaker नहीं है, sender ने proper planning नहीं किया कि उसको क्या message pass करना है, then he will not be able to deliver. Wrong assumptions. अगर आप wrongly assume कर लेते हो, specifically from receiver side कि वो रॉन्गली अज्यूम कर लेता है, हाँ ये जो सेंडर भेज रहा है वो जो मुझे पता है, तो रॉन्गली अज्यूमशन की वजह से भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक प्रॉब्लम लाइक यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड और जार्गन. दैट मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड, टेक्निकल वर्ड, जार्गन यानी कि टेक्निकल वर्ड, जैसे कि इकोनॉमिक्स की एक स्पेसिफिक डिक्शनरी होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अलग होती है, तो वो अगर वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स अगर हम डेली कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा. So that is called semantic problem using technical word or jargon. Then cultural barriers. Alag alag culture mein alag alag communication ka message nikalta hai. For example, this sign is used as a different meanings in different countries. Alag alag country mein ye sign ka alag alag meaning nikalta hai. Socio-psychological problem. Alag alag society mein bhi alag alag unki beliefs hoti hai. Emotions can be also a barrier. Like angry or sad. Selective perceptions, as I said here also, wrong assumption. अगर कोई selectively percept कर लेता है कि हाँ इसने तो ये message pass किया है, तो which is wrongly assumed or selective perception. That is also barrier. Information overload generally होता है कि student के पास बहुत, अगर ज़्यादा lectures deliver हो गए हैं तो उनके पास ज़्यादा information चली गई है तो overload हो जाएंगे, तो वो प्रॉपरली कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे. व्हेन इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड देन ऑल्सो दिस प्रॉब्लम्स अकर. लॉस बाय ट्रांसमिशन. जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने देखा था, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर देर इज़ अ मीडियम और चैनल विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमिटिंग द मैसेज. तो अगर वहाँ पे ये मैसेज कहीं पे गायब हो जाता है तो देट इज़ ऑल्सो बैरियर. जनरली जो रेडियो सिग्नल्स में ये प्रॉब्लम होता है कि रेडियो सिग्नल्स स्टेशन से निकल जाते हैं लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है या बीच में कोई एटमोस्फियरिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी बीच में वो मैसेज लॉस हो जाता है. पुअर लिसनिंग. इफ समबडी हैज़ पुअर लिसनिंग कैपेसिटी और पुअर रिटेंशन कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स में भी अकर. टाइम एंड डिस्टेंस. अगर मैसेज पास करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें भी प्रॉपरली हम समझ नहीं पाएंगे. दीज आर कॉमन बैरियर्स इन
passing message. If we segregate barriers by sender or by receiver, let's see first of all barriers by sender. That means lack of planning. First barrier can be lack of planning from sender side. अगर sender proper planning नहीं करता है कि मुझे क्या बोलना है, तो properly वहाँ पे fumble करेगा, properly बोल नहीं पाएगा. Lack of planning it can be a barrier. Second, vagueness about purpose of communication. What is the purpose of passing a message? अगर उसको यही idea clear नहीं है कि मैं क्यों message pass कर रहा हूँ, तो वो message properly pass नहीं कर पाएगा. Objective to be achieved. उसका main objective क्या है, goal क्या है, why he is communicating, वो अगर clear नहीं है तो भी problem हो सकता है. Choice of wrong language. अगर जो भी language वो use कर रहा है वो अगर receiver को पता नहीं है या unknown है, तो वो मैसेज को समझ नहीं पाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हिंदी ऑडियंस है और अगर उसको आप चाइनीज़ में आप पढ़ाते हो, तो वो समझ नहीं पाएगा. चॉइस ऑफ रॉन्ग लैंग्वेज कैन बी अ बैरियर. रॉन्ग चॉइस ऑफ द चैनल ऑल्सो. कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर वो चैनल उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो भी वो मैसेज उसको मिलेगा ही नहीं और ना ही वो समझ पाएगा. दिस आर ऑल बैरियर्स बाय सेंडर. देन बैरियर्स बाय रिसीवर. जो मैसेज को रिसीव करता है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक पुअर लिसनिंग. अगर उसकी सुनने की कैपेसिटी कम है, तो भी वो मैसेज को समझ नहीं पाएगा. इन अटेंशन, इफ़ हिज फोकस इज एट समबडी एल्स, और वो कहीं पे ध्यान रख रहा है, उसका ध्यान नहीं है, तो भी वो मैसेज पे मैसेज को समझ नहीं पाएगा. मिसट्रस्ट. इफ रिसीवर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट टू द सेंडर, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि जो भी बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा है, अगर ऐसा मिसट्रस्ट होगा तो भी वो ध्यान नहीं दे पाएगा. लैक ऑफ इंटरेस्ट. अगर सेंडर का जो भी स्पीच है या जो भी मैसेज है वो रिसीवर के इंटरेस्ट में नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उनको साइकोलॉजी, उनको अगर किसी और फिलोसॉफी के बारे में पढ़ाया जाए, तो वो उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो वो ईजिली नहीं सुनेंगे. रादर अगर उसको कोई मूवी के बारे में स्टूडेंट्स को जनरली बताते हैं, तो देर इज़ ऑफ देर इंटरेस्ट, तो वो एकदम अच्छी तरह से सुनेंगे. देन प्री मैच्योर इवेल्यूएशन. इट इज़ काइंड ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन. वो पहले से ही जज कर लेते हैं कि हाँ, ये जो भी सर पढ़ा रहा है वो तो मुझे पता है. दैट इज़ प्री मैच्योर इवेल्यूएशन. और ऐसा समझ के वो सुनता नहीं है या पढ़ता नहीं है. एटीट्यूडिनल क्लैश विथ द सेंडर. अगर रिसीवर और सेंडर के बीच में कोई क्लैश हुआ है या तो फिर कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा. एंड नेक्स्ट, नॉट इन अ फिट फिजिकल कंडीशन. अगर रिसीवर की कंडीशन फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, या तो फिर वो बीमार है, उसको कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका ध्यान उसी में रहेगा, ना ही कि सेंडर के मैसेज में. सो दीज आर वेरियस बैरियर्स बाय रिसीवर. रिसीवर के साइड पे ये बैरियर्स हो सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू.